फरिश्तो गवाह वनो देखो मैं दे दिल दा फल तोड़ दिन इदे बावजूद मेरी हमद सना भी अभियान करें दे मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी YouTube फैमिली अलग रहस्तर रहो, बस्तर रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको अस्तम्स कराते रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चलो आज जुमा का दिन है, रमज़ान शरीफ का चौथा रोज़ा है और जुमा का दिन है। जुमा का दिन सबको मुबारक हो। तो अभी जुमा पढ़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं गया, एक जनाजा था वो पढ़ा, नौजवान बच्चा था, उनकी शादी थी। तो उस शादी पर उसका बाइक पर गया, आमने सामने दोनों मोटरसाइकिल लगे और बेचारा फोत हो गया। उसे इमरजेंसी ले गया, कोमा में रह गया दो तीन दिन। तो आज रात वो फोत हो गया था। और भाई वहाँ पर एक भाई उसका सौदेरा भाई, ये छोटा यहीं था। तो खैर फोत हो गया, आप सब उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसे भी शहादत की मौत है शहीद हुआ है क्योंकि मोटरसाइकिल बाइक पर लगा है वो बेचारा। पड़ोसी है हमारा, तो वो बहुत ही रो रहे थे, बहुत परेशान थे। खैर जिनका घर से कोई जाता है तो परेशान होता है। उन लोगों ने नया नया घर बनाया था, सऊदी अरब से कमाया, उन लोगों ने अच्छा सा घर बनाया, लेकिन वो घर आपको वो नहीं कर सके, इस्तेमाल बेचारा नहीं कर सका। तो उसका बूढ़ा बाप बहुत रो रहा था। अभी आपके हंसने खेलने के दिन थे, यहाँ मैंने मकान बनाया, कमरे बनाए हैं, तो आपके रहने के दिन थे। बस बहुत दिल को अफसोस हुआ देख के। ये फैसले सब अल्लाह ताला के, सामान 100 बरस का पल का पता नहीं। इंसान तो 100 बरस का सामान बनाता है, अभी मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये कमरे सब चीज़ की यहाँ ना म्याज है, मुद्दत है, लेकिन इंसान की कोई मुद्दत नहीं है। पता नहीं कब आया कब जाना है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है इंसान की। लेकिन मैं नहीं ख़त्म हो रही कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, कोई चीज़ नहीं, हम कुछ नहीं। एक पानी का बुलबुला है, ख़त्म हो जाएंगे, एक हवा से भरी हुई इंसान में वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो बस, और दूसरी बात यह है कि भाई बहुत सारी लाइफें हो रही हैं, नौशीन सिस्टर और वर्दा सिस्टर की भी 2 दिन की ज़िंदगी आप छोड़ दें। यहाँ इसी बातों पर ना सितारा बेटी को नुकसान हो रहा है। आप लोगों की जो लाइफें, आप लोग सपोर्टर हैं, ये नहीं है कि मैं एक नौशीन मुल्तानी सपोर्टर है या वर्दा सिस्टर है या फिर देख ले मरियम फाज साहब, उसने बहुत सारा नुकसान उठाया सितारा बेटी के पीछे। सऊदी अरब से डिवोर्स हुई हैं, उनका शौहर भी वहाँ, हस्बैंड भी काम कर रहा था, बच्चे भी वहाँ सऊदी अरब में पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया सितारा बेटी के लिए। अब लोगों ने तो जस्ट अपने जो है ना चैनल के लिए ही, जो अपने मतलब के लिए उनके लिए सपोर्ट किए, लेकिन उसने अपना देखो ना घर बार और ख़ानदान को उजाड़ा है और अच्छी जगह रह रहे थे सऊदी अरब, उसके कामे वीज़े सब कुछ चला गया, तो बेचारे मतलब है वो बेरोज़गार हो गए। उसने बहुत सारा नुकसान बड़ा उठाया। बाकी तो जितना भी है ना, अभी हम लोगों ने अपने सपोर्टर ज़रूर थे, लेकिन चैनल भी अपने चमका रहे थे, ठीक है। हर बंदे ने सितारा बेटी का भाई सपोर्ट करके जो है ना अपना चैनल चमकाया, अपना मतलब हासिल किया है। हमने बहुत, जब गिनती में आते हैं ना सपोर्टर, तो फिर वो मतलब चाचे को भी भूल जाते हैं जो हम सपोर्टर थे सब, इसके ख़ानदाना वाला भी कोई नहीं था, हम ही सपोर्टर। हर बंदा अपने सीने पर हाथ डालता है, अभी मैं सपोर्टर था। जब गाली गलोच और गंदी गालियाँ बेबो दे रही थी और लोग दे रहे थे, तो कोई भी नहीं था, कोई सामने नहीं आता था। नौशीन मुल्तानी को भी एक दफ़ा दो दफ़ा उन्होंने ट्रोल किया, तो नौशीन मुल्तानी साहब भी हाथ बांध के भाग गई थी भी मैं बात नहीं करूँगी। तो जवाब मैंने ही दिया था और कोई नहीं दे रहा था, ठीक है। ये आज भी वैटी पर बात पड़ी है, कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि जिसका जहाँ जलती है ना आग, फिर उसी जगह को पता होता है कि ऊपर आग जल रही है। तो हमारे ख़ानदान को जब गालियाँ निकाली जा रही थी सितारा बेटी को बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ों से, और मेरी भाभी को बोला जा रहा था, और
बाबर और दिलबर के बच्चों को पेट्रोल किया जा रहा था, तो उस टाइम कोई नहीं बोल रहा था, मैं ही बोल रहा था, क्योंकि मैं बड़ा था, हमारा हक बनता था। जब हमारे मतलब आके हमारा दरवाज़ा खटखटाओगे और गालियों से खड़काओगे, तो फिर उसका जवाब तो मिलना ही मिलना है। मैं रमज़ान शरीफ में वो बातें याद नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को याद दिलवा रहा हूँ कि भाई दो तीन लाइफें उसमें कहा भी उसके सितारा के ख़ानदान वाला उसमें कोई भी नहीं था, हम ही थे। तो माशाल्लाह आप थे, हमको वेलकम करते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने वाकई सपोर्ट की, लेकिन हम भी वहाँ थे, ठीक है ना, हम भी थे। फकत और भी बहुत सारी मेरी बहनें जिन्होंने बेचारी का चैनल भी नहीं थे, उनका क्या कसूर था, उन्होंने भी गालियाँ खाई, गलोच खाई, बहुत रोए सतारा बेटी के पीछे, जिनका कोई मतलब नहीं था। हमारे तो चैनल थे, खैर जिनके चैनल हैं उन्होंने तो मतलब कुछ डॉलर मालर कुछ मतलब हासिल किया, तो जिनके चैनल भी नहीं थे उन्होंने जो है ना गालियाँ गलोच खाई, ट्रोल हुए, बहुत सारे रोए लोग, दुआएं की, उनके लोगों का बहुत शुक्रिया, बिना मतलब के जो लोग होते हैं ना उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों को ट्रोल करवाया और भी गालियां खाई, रोए वो लोग, उनकी दुआएं काम आई जो इस तरह आज इस मकाम पर है माशाल्लाह। इन्हीं लोगों की वजह से जो जो लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया और दुआएं दी, तो उन्हीं लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने लोगों ने कोई चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बगैर मतलब किसी मतलब के उन्होंने सितारा बेटी को भी सपोर्ट की, मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने और बुज़ुर्ग ने, जिन जिन बाहरले मुल्क से, बाहरली कंट्री से भी अपना उन्होंने सपोर्ट की, एक कंट्री में रह के एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी थे भाई, ठीक है, कुछ लोग इंडिया के ख़िलाफ़ थे, कुछ जो है ना भाई चाहने वाले थे, तो दोनों एक ही कंट्री में रह के भी उन लोगों ने आपस में मतलब अपना सामना लिया एक दूसरे का, उनका बहुत शुक्रिया। तो ये मैं नहीं कहना चाहता कि मैं सपोर्ट हूँ, खैर हमारा तो हक बनता था, क्योंकि हमारा खून था, हमारा जिगर था, हमारा कुछ भी हो जाता है, हमें कुछ भी जो हो जाता है तो कोई बात नहीं, अब तक भी जो हम सपोर्ट ज़रूर कर, क्या है सपोर्टर नहीं, हम हमारी तो बेटी है भी, हम जान भी देंगे अपनी बच्ची के लिए। फकत यह है कि उस टाइम सबके बच्चों को जब ट्रोल किया जा रहा था, जब एक एक मरतबा करते बात होती थी ना कोई करता था तो साहब फिर भाग जाते थे, ठीक है, चुप कर जाते थे, यानी और बातें करते तो उनको जवाब नहीं देना होता था, क्या है कि भाई गाली नहीं देनी है, ग्लोज नहीं दे, भाई जब एक एक हज़ार एक मरतबा आप लोगों को ट्रोल करेगा तो फिर तो मतलब हक बनता है ना जवाब देने का। ये ज़िंदगी रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की ज़िंदा रहेगी, मकसद ये है कि भाई फिर डरना नहीं है ना, एक बंदा आपको डरा रहा है, ट्रोल कर रहा है, अपने अपने मेरी भाभियों को, मेरी बेटियों को, मेरे पोते दोतों को गालियां दे रहा है, तो फिर तो हमारा हक बनता था ना जवाब देना, या नहीं बनता था, क्यों फिर लोग कह रहे थे भी चाचा जो है ना हेटर बन गया, भी सपोर्टर बन गया, मैं कुछ नहीं बना था, मैं एक हक और सच की बात कर रहा था, और मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के साथ के सिवा। ज़िंदगी दो दिन की है, चली जानी है, ठीक है, तो प्यार से रहें, मोहब्बतें बाँटें, और अब जो नौशीन सिस्टर और भाई वर्दा सिस्टर नाराज़ हैं आपस में, तो छोड़े इस बातों को, रमज़ान शरीफ है, आगे एक होकर रहें। इस चीज़ से जो है ना सतारा बेटी को नुकसान पहुंचता है कि उस लोग फिर और दूसरी की साइड के लोग बोलते हैं कि वो आपस में वो लोग लड़ पड़े तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ सी बातें हो रही थी भाई, नौशीन सिस्टर का कसूर यह है कि आके उसने अपना मीटअप पर उसने जो है ना लाइव लगाई, खैर वो तो हर किसी की अपनी सोच होती है, वो सितारा बेटी ने कहा नहीं था उसे भी आप लाइव लगा दें, तो हमसे वो पहले पहुंची थी, उस सितारा बेटी को पता ही नहीं था कि उसने लाइव लगाई हुई है, ठीक है, हर बंदे ने मतलब अपना अपना वो रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, लेकिन इसका पता नहीं था अपना नौशीन मुल्तानी का कि उसने लाइव लगाई है, सितारा को इसमें पता हो, उसने अपना थोड़ी सी सितारा बेटी ने चैनल अपना लाइव लगाई, लेकिन वो कुछ सिग्नल की वजह से वो सही नहीं चल पाई, तो इनका तो बाद में पता चला ने भी है अपना नौशीन मुल्तानी साहब ने लाइव लगाई थी। तो खैर ये कुछ लोग कहते भी उनकी सितारा का बेटी क्या भी प्रमोशन दिया हुआ था भी आप लाइव लगाएं,
नहीं ये बात कभी नहीं हुई थी, मैं भी उसमें था कि कोई लाइफ लगाता। हमारे यहाँ जो है ना जितना भी मीटअप हुआ है, जब भी होता है कोई ऐसा मसला होता है तो पहले सतारा बेटी कोई जो व्लॉग वगैरह होता है वो डालती हैं, उसके बाद हम पूरे डालते हैं व्लॉग। दूसरे दिन हम हमारा मिलता होगा आप लोगों को। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं था, तारा बेटी ने ये नहीं कहा था अभी आपको कब डालेंगे व्लॉग। लेकिन इस मरतबा भी ऐसा हुआ भी उस तारा बहुत सारे लोगों ने व्लॉग डाल दिए थे, उसके बाद तारा बेटी का शाम को ही व्लॉग आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो लोग ही इतना थे भाई, किसी का कोई पता नहीं था भी कोई किसी टाइम व्लॉग डाल रहा था, कोई किस टाइम डाल रहा था, सब बहुत सारे चैनल वाले लोग थे, जिसकी वजह से सतारा बेटी को नुकसान आया। क्या है कि बहुत सारे चैनल वालों ने अपने चैनलों पर जाके जल्दी जल्दी अपना वीडियो बना के अपलोड कर दी, तो सतारा बेटी का बाद में व्लॉग आया, जिसकी वजह से सतारा बेटी को इस मीटअप पर मोहब्बतों की वजह से प्यार की वजह से लोगों ने किसी ने इंतज़ार नहीं की, हर किसी ने अपना शॉर्ट आउट बना के डाल दिया यूट्यूब पर। तो इस वजह से सतारा बेटी को अपना वीडियो जो देर से आई उसको नुकसान आया, क्योंकि हक बनता था पहले सतारा बेटी का, बाद में हम सब का कि उसके बाद हम ब्लॉग डालते। खैर यहाँ कोई किसी को सतारा बेटी भी ना रोक सकती थी ना कोई रोक सकता था, हर किसी की अपनी मर्ज़ी थी, कोई ब्लॉग डाल रहा था, कोई लाइव लगा रहा था, कोई क्या कर रहा था। लेकिन सतारा बेटी को तो भाई हमारा ये था एक सबसे पहले कि जितना लोग मोहब्बत में मिलने के लिए आए उनको हम मिलाएं, सब मिल के जाएँ, छोटे बड़े सब ने शॉर्ट आउट लिया, कोई बंदा भी हो एक बंदा। हाँ अगर वो तो किसी ने इंतज़ार नहीं किया, अब 20 मिनट आधा घंटा एक गुस्सा होकर चला गया है, मतलब वो पहुँचा है और उसको नहीं मिला, ये तो गलत बात। हाँ अगर वो आया है उसने थोड़ी सी सब्र किया था, हमने सबको मिलाया, कोई बंदा भी नहीं है पूरी लाइव में पूरे शो में मतलब उसमें के मीटअप में कोई बंदा नाराज़ हो या कोई बोला मुझे शॉर्ट आउट नहीं मिला, कोई बोला मुझे मतलब तस्वीर नहीं खींचने दी, कुछ भी नहीं हुआ, ये गलत है। सब बंदों को शॉर्ट आउट मैंने बुला बुला के हम लोगों ने फारूक मैंने कोशिश की है साजिद साहब ने सबको बुलाया और मिलवाया भी, आप मिल के जाएँ मैं मीटअप पर आएँ। तो भाई आप सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सब एकदम तो नहीं आ सकते थे, हमने ऐसे किया भी एक तरफ से लोग आ रहे थे मिलने के लिए, दो दो चार चार बंदे दूसरी तरफ से उतर के नीचे जा रहे थे, तो हम लोगों ने कोशिश की थी भी सब मिल के जाएँ, छोटे बच्चों बड़ों को छोटों को सब जो आए हुए थे ना चाहत में, हमने कोशिश की भी सबको जो मीटअप में आए इतना दूर से मोहब्बत से प्यार से सब खुश हो के जाएँ। तो आने वालों को भी बहुत शुक्रिया। तो भाई हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने कोशिश की थी भी सब मिल के जाएँ, हमारा इतना व्लॉग नहीं बने जितना हम लोगों ने कोशिश की, इस तारा बेटी से कोई नाराज़ होकर ना जाए भाई, जितना लोग मोहब्बतों से आए उनका बहुत शुक्रिया जो हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थी बातें, मेरी बात से कोई नाराज़ हो तो भाई और बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो मेरे दिल में नहीं रहती, रोज़ा मैंने रखा हुआ है। और मैं तकरीबन 8-9-10 साल की उम्र से रोज़े रख रहा हूँ, किसी पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक आदत है पूरा रमज़ान शरीफ जो है ना मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ा कहीं भी हूँ, अगर मुझे खाना भी ना मिले ना तो मैं रोज़ा नहीं छोड़ता, पानी के साथ भी रख लेता हूँ। ठीक है, एक मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है कि जब तक जिंदा है इंशाल्लाह रोज़े रखते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे सबके लिए, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और बात जो निकलनी है सच्ची निकलनी है, किसी से नहीं डरना अल्लाह की ज़ात के सिवा, तो ये जान रिस्क सब माल देने वाले मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी हम सबको दुआएं दे रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो और दूसरी बात भाई, सतारा बेटी ने कल जो व्लॉग डाला ना तो जो काम बांट के दिया ना बहुत अच्छा किया भाई, सब एक सतारा बेटी पर हक नहीं बनता वो कि भाई काम करती रहें और भी सब जो लोग हैं बहुत सारे वहाँ मतलब काम काम करें ना भाई, तो भी कौसर को और साजिद को भी काम सतारा बेटी ने बांट के दिया भी, आप लोगों ने शरबत और वगैरह ये भैया वो फ्रूट वगैरह चाट ये बनाने, तो क्योंकि आग वाला काम तो वही कर रही है सतारा बेटी, लेकिन आप ठंडे पानी वाला तो काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा किया, मिलजुल के सब ने काम किया, बहुत अच्छा लगा, काम बांट के दिया सतारा बेटी ने, ये भी बहुत अच्छा है। तो खैर आप लोगों ने भी व्लॉग देखा होगा, बहुत अच्छा लगा, और जो प्यारी प्यारी सी चीज़ें पकाई हुई थी, तो कुछ लोग ये भैया और बातें कर रहे थे, हाँ भाई सतारा बेटी जो है ना वो खाना वगैरह दिखाए भी, ये मेहमान महीना है
रोज़ों में इसको जितना खिलाओ, जितना मतलब खर्च करो, वो जो है ना वो माफ़ हो जाता है। तो इस महीने में अच्छा खाना पीना चाहिए, खुल के खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। मेहमान ये महीना है, इसको राज़ी करके भेजना चाहिए। तो अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब अपने मेहमान को राज़ी कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं अभी। तो भाई कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन लगता रहे तो हम जो है ना दुआएं देंगे इस तारा बेटी को, ऐसे ही दिखाते रहें। बहुत लोगों को भी सीखने को कुछ मिलता है भी, कैसी कुछ चीज़ बनती है ये नहीं बनती विलेज में, और को बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ ऐसे बनाने नहीं आती। तो आप दिखा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, ना किसी को हेट कर रहा हूँ, जो सच्चाई की बातें वो कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, जुमा पढ़ते हैं, जुमा के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग मिलेगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो भाई इससे आगे शेयर भी कर दीजिएगा, वो वीडियो पूरी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।